देख रहे हो धुंध का साथ भाई साहब, कितना भयंकर लग रहा है। रोड कैसे क्रॉस करूँगा मैं ये सोच रहा हूँ। तो फाइनली मैं आ तो गया भाई साहब, रोड क्रॉस करा, गाड़ी दिखी नहीं रही कि आएगी बिना। दोस्तों मैं घर आ गया है ना, ये सब नहीं है, रास्ते में हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं आ गया फिर जग के सुबह जल्दी, अभी मैं जस्ट पढ़ ही रहा था, कॉपी किताब मेरी रखी हुई है ये रखी। हाँ तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज हमारा पेपर नहीं है, पेपर है कल, ठीक है, तो उसी की आज हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं रहिए मेरे इन ब्लॉग में और देखते रहिए। पढ़ाई तो रख दी बंद करके, क्योंकि ये पूरी इससे ज़्यादा और ना कर सकते, थक गए यार पढ़ते पढ़ते, आंखें बिल्कुल ऐसी हो चुकी तंग, और मैं कैसे बन के बैठा हूँ, बिल्कुल ठंड है भाई साहब, बाहर धुंध हो रही तगड़ी वाली, तो ठंड हो रही है सही सी। मैं जा रहा हूँ अभी नहाने, ये मैं टॉवल तो रख ही रखा है, नहाने जा रहा हूँ, पानी हो रहा है अभी गर्म, नहा के आता हूँ। हम रेडी तो हो गए ऑफिस जाने को, इसमें मेरी ड्रिंक पी के मैं जा रहा हूँ ऑफिस। बड़ी धुंध हो रही थी, पूरा धुंध हो रहा है, पूरा माहौल में धुंध हो रखी। तो गाइस जैसा ये अंधेरा हो रहा है ना, इसमें मैं सही बताऊं तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, और अभी ना 9:30 बजने वाले हैं, और ये देखो गुड़गांव में ऐसी धुंध है, और मैं ऐसा लग रहा है जैसे बारिश से आ रही है ऊपर से हल्की हल्की, ऐसा लग रहा है। इसको शबनम या ओस बोलते हैं या ड्यू बोलते हैं, ड्यू वही आ रखी है, रोड पर भी दिख रही होगी आपको। मुँह से तो आर पार धुआं निकल ही रही है, और ऐसा हो रहा है बिल्कुल। मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो ज़्यादा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बस 10 मीटर दिख रहा होगा, 10 नहीं तो 100 मीटर मान लो, 100 मीटर से ज़्यादा नहीं दिख रहा, हार पार सही से नहीं दिख रहा, 100 मीटर भी नहीं दिख रहा, कम ही है। तो मेरे हिसाब में ना, मुझे जो लग रहा है ना, मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे मैं यहाँ गुड़गांव जैसे शहर में, डेवलप शहर में रही हूँ, मैं हूँ कहीं शिमला या मनाली या ऐसी हिल स्टेशन वाली जगह पर। बिल्कुल ऐसा कोहरा हो रखा है, मतलब ये फॉग है जो स्मोग और पोल्यूशन से जुड़ के बना हुआ है, वो है और धुंध नहीं। बस कंकर चूमके मारती मेरा फ्रीज हो गया, जैसे मैंने हुई देख रहे हो धुंध का साथ भाई साहब, कितना भयंकर लग रहा है। रोड कैसे क्रॉस करूँगा मैं ये सोच रहा हूँ। तो फाइनली मैं आ तो गया भाई साहब, रोड क्रॉस करा, गाड़ी दिखी नहीं रही कि आएगी बिना आएगी, पता नहीं कैसे। ऑफिस को बोल देते हैं हम अलविदा, और अपने चलते हैं बाहर की तरफ, लिफ्ट पकड़ते हैं। बाहर तो वही धुंध हो रही है, मस्त मौसम है, ठंडा, चलो। तो बाहर धुंध देखो भाई साहब, शाम के टाइम भी 7 बज गए और धुंध बहुत तगड़ी, ठंड अच्छी खासी। तो दोस्तों मैं अभी घर जा रहा हूँ, इस रात में मौसम वही धुंध वाला, ऊपर दिख ही रहा है आपको, तो मुँह से धुआं तो नहीं निकल रही है, जो निकल रही है पर आपको कैमरे में नहीं दिख रही होगी। भाई साहब ये सामने का व्यू है, जो भी आपका सामने है, धुंध दिख रही है। दोस्तों मैं घर आ गया है ना, ये सब नहीं है, रास्ते में टीवी में घुस रहे, ये टीवी है गाइस, धुंध जिस लेवल की हो रही है, उस लेवल से तो हमारे मुंह से भी धुआं निकलना शुरू हो गया। एक मिनट, मेरा काम ना ठोटी देखने का बोला है मुझे ना, अभी मैं सारी ठोटियाँ चेक कर लूँ, सारी बंद है ना। तो आप सबको पता ही है, आप सबने आई होप आप का मेरा व्लॉग एंजॉय किया हो, और बाकी आप सब जानते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी के अभी कर दें बिना डिले के। तब तक के लिए मैं जाता हूँ, बाय, गुड नाइट, सब आखिर अपना ध्यान रखें, जय हिंद।